मुंबई से बीते 13 मई को एक बहुत ही बुरी व दर्दनाक खबर सामने आई, जहां अचानक से तेज आंधी के चलते मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक विशाल होर्डिंग गिर गई थी और इस होर्डिंग की जद में आने से 16 लोग मारे गए थे और साथ ही 84 लोग घायल हो गए थे। वहीं आपको बताते चलें, 3 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन से ही 84 घायल व 16 मरे लोगों की लाशों को होर्डिंग के मलबे से बाहर निकाला गया। वहीं आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह विशाल होर्डिंग किस प्रकार से गिर गया, क्या इसमें मुंबई का प्रशासन जिम्मेदार है या इस होर्डिंग को चलाने वाला। यह सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस स्पेशल रिपोर्ट से। दरअसल 13 मई को मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक सीएनजी पंप में आम दिनों की तरह ही तमाम लोगों की भीड़ लगी थी और यह सारे लोग अपनी अपनी गाड़ी में सीएनजी भराने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं उस समय मौसम भी बड़ा विकट व भयानक था। दरअसल उस समय बाहर बड़ी ही तेज हवाओं के साथ ही बारिश हो रही थी। वहीं पर मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि यह एक सामान्य सा दिन है, कुछ देर बाद यह आंधी थम जाएगी, लेकिन इन लोगों की भीड़ को यह नहीं पता था कि चंद सेकेंड में उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो यह कालनेमी समय आ गया जब एक तेज हवा के झोंके से सीएनजी पंप के पास ही एक विशाल होर्डिंग चंद ही सेकेंड में सीएनजी पंप के सीधे ऊपर गिर गया और इस होर्डिंग का वजन लगभग 250 टन के करीब था। अचानक से हुए इस हादसे ने आसपास के लोगों को सुन्न सा कर दिया। वहां पर मौजूद लोग चंद सेकेंडों के लिए यह तक नहीं सोच पा रहे थे कि आखिर करें क्या, और इसी बीच वहां पर भगदड़ के साथ ही लोगों की चीख पुकार ने चारों ओर के वातावरण को और भी खतरनाक बना दिया। वहीं आसपास के लोग इस होर्डिंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए आगे तो आए, लेकिन वे इस विशाल होर्डिंग में दबे लोगों को निकालने में असहाय थे। और इसी बीच यहां का दर्दनाक भरा दृश्य अचानक से सोशल मीडिया में वायरल हो गया और इस वायरल वीडियो में वह दृश्य कैद हो गया जिसमें इस तेज आंधी तूफान के बीच एक होर्डिंग धड़ाम से सीएनजी पंप के ऊपर समा गया। वहीं इस दर्दनाक हादसे की सूचना जैसे ही एनडीआरएफ को मिली तो एनडीआरएफ की एक टीम इस घटनास्थल पर तुरंत ही पहुंच गई और होर्डिंग के नीचे दबे हुए लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 63 घंटे तक चला और रेस्क्यू ऑपरेशन में 250 से ज़्यादा बचाव दल के लोग घायलों को निकालने में लग गए थे और होर्डिंग के जद में आने से लगभग 80 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से 75 लोगों को गंभीर चोटें आई और इन्हें तुरंत ही अस्पताल भेज दिया गया। वहीं इस विशालकाय होर्डिंग की चपेट में आने से 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वड़ाला में हुई लापरवाही की वजह से यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग उसका पूरा लोखंड ऊपर उसके नीचे देखो कितने जन दबके मर चुके हैं, 1 जन बचे हैं और बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर वहाँ पे अंदर दब दब के मर चुके हैं। सब दिख रहा है देखो, दे सकते हैं सब गाड़ी की माँ देखो अंदर बचा है, अंदर बचा है, ये बचा है आदमी, बचा है वो सब में मर गए। कार कैलेंडर केस तोड़ना बा वो किस 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 काज खींचता भाई, काज खींचता भाई सर, किस किस काज खींच दे। वहीं इस घटना के बाद सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, आखिर कौन है जिसके नाम से यह होर्डिंग चलता है, आखिर कौन है इस होर्डिंग का मालिक, आखिर किसकी लापरवाही से 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तब जाकर पता चला कि इस होर्डिंग को एगो मीडिया कंपनी द्वारा लगाया गया था और इस होर्डिंग को लगाने का मास्टरमाइंड भावेश भिंडे था, जिसे ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आपको बताते चलें, भावेश भिंडे को जैसे ही होर्डिंग के गिरने व इसके हादसे की खबर लगी तो वह तुरंत ही मौके से फरार हो गया था। तब मुंबई की पुलिस ने 9 टीमों को देश के अलग अलग राज्यों में भावेश भिंडे की गिरफ्तारी में लगा दिया और वहीं मुंबई पुलिस को भावेश भिंडे की गिरफ्तारी 16 मई को राजस्थान के उदयपुर से मिली। वहीं कल सुबह भावेश भिंडे को मुंबई लाया गया जहां उसे अदालत में पेश किया गया
वहीं आपको बताते चलें, आरोपी भावेश भिंडे की इसी साल जनवरी में रेप जैसे गंभीर मामले में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में उसे बेल मिल गई थी और साथ ही 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। और चुनावी हलफनामे में भावेश भिंडे ने खुद के खिलाफ 23 क्रिमिनल केस दर्ज होने की बात की थी। वहीं इस होर्डिंग के गिरने को लेकर तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर इस होर्डिंग को लगाने की मंजूरी बिना जांच के कैसे दे दी गई। क्या इस होर्डिंग कंपनी ने कोई भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था? क्या मौसम विभाग ने समय रहते तेज आंधी तूफान की कोई चेतावनी नहीं दी थी? इन्हीं सवालों के खड़े होने की बस देर ही थी कि BNC और रेलवे ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए और साथ ही इस हादसे को लेकर राजनीति भी होनी शुरू हो गई। वहीं BMC के अधिकारियों ने होर्डिंग गिरने के पीछे फाउंडेशन फेलियर यानी कमजोर नींव के होने का कारण बताया। साथ ही BMC का कहना है कि होर्डिंग सरकारी रेलवे पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है और उनका कहना है कि यह रेलवे की जमीन पर लगा था और इस होर्डिंग को अच्छी गहराई यानी पर्याप्त गहराई तक नहीं लगाया गया था। वहीं रेलवे के अधिकारी का कहना है कि जिस पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरा वह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है और उनका भी मानना है कि पेट्रोल पंप रेलवे पुलिस की जमीन पर बना है। और इस अधिकारी का यह भी कहना है कि उस समय दिसंबर 2021 में भावेश भिंडे की कंपनी को 10 साल के लिए पेट्रोल पंप के पास होर्डिंग लगाने की मंजूरी दी गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी ने कहा कि होर्डिंग लगाने के लिए BMC से अनुमति नहीं ली गई थी और साथ ही भावेश भिंडे के खिलाफ होर्डिंग के आसपास के पेड़ों को जहर देकर सुखाने के मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भाजपा भी कूद पड़ी और भाजपा ने महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे को घेरना शुरू कर दिया। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व सांसद व नेता किरीट सोमैया ने कहा कि तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2021 को इस होर्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भावेश भिंडे को मिला था और साथ ही सोमैया का कहना है कि होर्डिंग को लगाने की इजाज़त BMC के द्वारा ही दी जाती है। तो आखिर पुलिस अधिकारी द्वारा इसकी मंजूरी किस प्रकार से दे दी गई? वहीं आपको बताते चलें, इस 120 फीट लंबे होर्डिंग के पिलर को सिर्फ 4 से लेकर 5 फीट की गहराई में ही गाड़ा गया था और इससे यह सवाल तो खड़ा ही होता है कि इस कमजोर बुनियाद के कारण ही यह 250 टन का होर्डिंग एक तेज हवा के झोंके को भी नहीं झेल पाया और एक झटके में ही धराशायी हो गया और बेकसूर 16 मौतों का जिम्मेदार बन गया। वहीं आपको बताते चलें, घाट कोपर में गिरे होर्डिंग के कारणों को पता लगाने की जिम्मेदारी मुंबई के वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को दे दी गई है और इस इंस्टीट्यूट ने 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। वहीं एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तो जोरों शोरों पर है, लेकिन असल सवाल यह है कि करोड़ों रुपये के घोटाले और मोटी रकमों के लालच में भ्रष्ट प्रशासन और अधिकारियों ने इस होर्डिंग को लगाने की मंजूरी कैसे दी? कब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही और नेताओं की जेब गर्म करने की आदत के कारण निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? यह घोर अन्याय कब रुकेगा और इन भ्रष्टाचारियों को कब सजा मिलेगी? हमें अब कार्रवाई की जरूरत है, ना कि केवल शब्दों की। वहीं इस पूरे घटना ने मुंबई के नागरिकों के मन में गहरे सवाल खड़े कर दिए। आगे की जांच पड़ताल और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद ही इस दर्दनाक हादसे के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है और सुरक्षा मानकों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत को उजागर किया है।